Slugbrain! Slugbrain! क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैंने तो अलार्म बंद कर दिया था। किया होगा, पर मेरे जासूस तो हर जगह फैले हुए हैं। तो तुम स्लग के साथ खेलना चाहते हो? कुछ सुना? यह हो क्या रहा है? अच्छा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। दोस्तों, हॉपरॉक्स को घर में चलाने से मना किया था ना? गलती हो गई। इस्तेमाल करो, वो चिपचिपे हैं पर कम से कम घर में छेद तो नहीं होंगे। मेरी मदद करो दोस्तों। बात करके भी इसे सुलझा सकते हैं। पहले बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? वो जो मेरा है। मुझे पता था सोप से जरूर काम बन जाएगा। अब तुम भाग नहीं सकती। चलो अब जल्दी से बताओ, ब्लैक ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, इससे पहले कि मेरा दोस्त फायर कर दे। ब्लैक, मैं उसके साथ काम नहीं करती, मैं अकेले काम करती हूँ। तुम उसे छुपा नहीं सकते। रुको, क्या छुपा नहीं सकता? कौन हो तुम? मुझे उस खजाने का हिस्सा चाहिए। खजाना बोले? और मैं वादा करती हूँ उसे पाकर रहूंगी। क्या किसी को पता है वो कौन थी? मुझे अब भी लगता है उसे ब्लैक ने ही भेजा था। मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही थी। और वो गूल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी, पर वो किस खजाने की बात कर रही थी? जाहिर है वो मशहूर शेन के खजाने की बात कर रही थी। अगर वो इतना मशहूर है तो मैंने पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? ये पहली बार नहीं है जो तुम्हारे पापा ने कोई सीक्रेट तुम्हें नहीं बताया। जरा सोचो, क्या पता कोई बड़ा खजाना यहाँ छुपा हो, तुम अमीर बन जाओगे। अमीर? अमीर? मुझे नहीं लगता। मेरे पापा ने मुझे कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया था जिनकी शायद मुझे जरूरत पड़ सकती है, पर मुझे नहीं लगता उन्होंने खजाने का जिक्र किया था। जिसमें से कुछ यहाँ भी छुपा हो सकता है, बिल्कुल हमारी नाक के नीचे। तो सीक्रेट्स? हाँ। जल्दी खोलो भैया। ठीक है ठीक है, पर मुझे नहीं पता इसे खोलते कैसे हैं या कहां से खोलते हैं। अरे भैया, मैं ही खोलता हूँ।
ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा। इस चीज को स्मोल्टन से कोट किया गया है और इसे सिर्फ फोर्ज स्मेल्टर स्लग से खोला जा सकता है। पर मियां, हमारे पास वो नहीं है ना। तो वो हमें कहाँ मिल सकता है? उसे ढूंढने के लिए हमें मैग्मा गुफा की गहराइयों में जाना होगा। वहाँ बहुत ही खतरा है, वो असल में पिघला हुआ लावा है। और मैग्मा मॉन्स्टर्स को मत भूलो। और वो जंगली लावा भैंस तुम्हारा कचूमर बना कर तुम्हें उबाल कर खा जाएंगे। लगता है मजा आने वाला है, चलो तैयार हो जाओ दोस्तों। ईलाई, तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारे पापा ने ये सोच लिया कि तुम उस बॉक्स को बिना किसी इंस्ट्रक्शन के ढूंढ निकालोगे? और अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो भी उसे कैसे खोलना है ये नहीं बताया। मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मैं सब खुद से करूं। और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? सवाल ये नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है या नहीं, यही सच्चाई है। जल्दी फ्लैच लोडिंग से इस्तेमाल करो। ओह अच्छा था। हम इस लावा के समंदर को पार कैसे करने वाले हैं? डरो मत जी, प्रॉन्टो द ग्रेट हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अभी लो। अब मेरा मतलब है अभी। प्रॉन्टो, तुमने ये कैसे? कमाल है ना जी, ये लावा टाइड हर घंटे अंदर आती जाती रहती है बिना चूके। और अगर हमें वो खजाना हासिल करना है तो हमें ऐसे ही कुछ करना होगा। अभी मेरा मुंह टाकना बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो जी, नहीं तो हम लोग कुछ ही देर में डूब जाएंगे। और समय शुरू हो चुका है जी। क्या बात है इलाई? मुझे लगा मैंने अभी देखा। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो चोर आखिर थी कौन और उसे उस बॉक्स के बारे में कैसे पता चला। वो जो भी थी, अकलमंद थी, वो यहाँ तक नहीं आएगी। हमें भी अपनी अकल लगानी चाहिए और यहाँ से लौट जाना चाहिए। तो जल्दी करने को कहा था ना? शायद चुप रहने को भी कहा होगा। मैग्मा मॉन्स्टर्स को जगाना नहीं है। मैं ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर से नहीं डरता जी। निकल लो। हॉटेस। पहुंच ही गए, जल्दी चलो। अच्छा निशाना था। हम अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे लगता है हमें उस ब्रिज को पार करना होगा जब हम वापस आएंगे। इससे पहले कि लावा टाइड वापस आ जाए हमें जल्दी जाना होगा। और याद रहे, धीरे और संभल कर जी।
में लगता है कि तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम इस पागलपन वाले मिशन पर आओ। फायर गाइजर है। सच में फायर गाइजर फटने से पहले आवाज करते हैं और अगर कोई बड़ी मुश्किल नहीं है तो हमें जाना होगा। धीरे और संभल कर। हाँ हाँ मैं पता है। चलो 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 जी, हम पहुंच गए जी। ये है फॉग स्मेल्टर चेम्बर। चलो उस लग को जल्दी से ढूंढते और यहाँ से निकलते हैं। या फिर तुम मुझे वो बॉक्स दे सकते हो क्योंकि मेरे पास ये इकलौता स्लग है। क्या तुम्हें लगता है इस गुफा में वो एक ही स्लग है? तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने फ्रॉस्ट क्रॉलर स्लग को आजाद किया और सारे स्लग्स को डराकर भगा दिया। उनके वापस आने तक बहुत देर हो जाएंगी। पर लावा टाइड जल्दी ही वापस आएगी। तुम मुझे उस खजाने का मेरा हिस्सा देने वाले हो या यही हमारा दी एंड करें? एक बात तो है, इस लड़की में दम है। देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो या तुम्हारा इस बॉक्स में क्या छिपा हुआ है। मेरा नाम डैना पॉर है। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो इससे जरूर आएगा। तुम्हारे पापा के साथ वाले आदमी को जानते हो? हाँ ये तो टॉम पॉर है। ये तुम्हारे पापा है ना? मेरे पापा हमेशा उनकी बात करते थे, वो दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर उन्होंने मेरे पापा को धोखा दिया। विल शेन को धोखा दिया? शायद तुम्हारे पापा ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। ये तो पता ही नहीं था। माफ करना दोस्त। दरअसल मेरे पापा मुझे सारी बातें नहीं बताते। पर मेरे डैड ऐसे नहीं थे। वो और विल शेन साथ साथ रहते थे और जानकारी निकालने में सबसे माहिर थे। और सारी अहम जानकारी विल शेन के पास जाती जिससे उसे हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रहने में आसानी होती। वो बेहतरीन टीम थे। मेरे डैड जानते थे कि विल शेन में कुछ तो गड़बड़ है। वो हमेशा अचानक दिन दहाड़े गायब होते और किसी को कुछ नहीं बताते। विल शेन ने अपने अंदर काफी राज छुपाए थे, इसीलिए मेरे डैड ने तुम्हारे पापा पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो खजाना छुपा रहे थे, वही खजाना जो उन्होंने मेरे डैड के साथ बांटने का तय किया था। उन्हें कुछ और भी पता चला। विल शेन दुश्मन के लिए काम करते थे। पापा ब्लैक के साथ काम नहीं कर सकते थे। ब्लैक नहीं, उससे भी बुरा, द शैडो क्लैन। जब मेरे डैड ने उनसे पूछा तो उन्होंने बाकी सबसे साफ इनकार कर दिया सिवाय खजाने की बात से। इसलिए मेरे डैड गुस्सा हुए और तुम्हारे पापा को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। और सब जानते हैं कि आपका क्या हाल होता है जब आप विल शेन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। इसलिए तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे। डैना, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं, पर मैं हमेशा उनके फैसलों को सही नहीं कह सकता। ब्रांडो को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा जी, पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि लावा टाइड वापस आ रही है। इसलिए मुझे सोने की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम इसी के पीछे हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा अगर तुम हमें वो स्लग दे दो ताकि हम यहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलो यहाँ से। नहीं, इसे अभी यही खोलो। हमारे पास थोड़ा वक्त है तो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसमें तो सिर्फ कचरा है। ये सब क्या है? तुम मुझसे चीटिंग कर रहे हो? बिना काम का खजाना। मैंने कहा था कोई खजाना नहीं होगा। वैसे मैं भी चाहता था कोई हो। चलो मैं इस चीज को पहन कर देखती हूँ। उसके सिर से निकालो। डैना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? The Shadow Clan, वो आ रहे हैं। Shadow Clan, वो यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या फर्क पड़ता है, चलो उनसे पीछे छुड़ाएं।
भाई तो बच गया मगर लावा टाइड आ रही है। उसे अपने साथ ले लो। चलो इलाई। मैं आ रहा हूँ। बढ़िया गोपी। वो एक स्क्रैपनेल मूव थी। तुम्हारा जवाब नहीं छोटू। इस बार धीरे से और संभल कर नहीं। क्या? हेलो, पकड़ कर बैठ। हाँ? ये तो पीछा ही नहीं छोड़ते। तो याद है मैंने ब्रिज पार करने के बारे में क्या कहा था? अब हम लोग नहीं बचने वाले। तुम चाहोगी मैं कूद कर वहाँ पे जाऊँ? तो तुम उनके साथ रहना पसंद करोगे? इसीलिए दोस्तों हम मैग्मा गुफा में दोबारा नहीं आएंगे। कभी नहीं। इलाई हमारे साथ रहो। डैना को यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं आता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं ये पहनूं? तुमने देखा नहीं डाना के साथ क्या हुआ था? प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करना। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? कौन हो तुम जिसने शैडो टॉकर से बात करने की शक्ति है? द शैडो टॉकर? तुम्हारे माथे का ये ताज इसे पहनने वाला शैडो क्लैन से बात कर सकता है। इसकी मन बेंडिंग ताकत को झेल नहीं सकता। इसीलिए दोबारा पूछता हूँ, कौन हो तुम? मैं इलाई शेन हूँ। मेरे पापा विल शेन थे। तुम्हारे पिता शैडो टॉकर की पूरी ताकत को झेल नहीं पाए।
और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तैयार नहीं, पर हम तुम्हें उसी दिन के लिए रख देते हैं जिस दिन तुम तैयार हो जाओ। अब उसे उतारो इससे पहले कि तुम्हें नुकसान पहुंचे। रुको, कौन हो तुम लोग और तुम्हें क्या चाहिए? वही जो तुम्हारी चाहता है, तुम्हारे पिता वही चाहते थे, और इसलिए हम दोबारा मिलेंगे। पर मेरे पापा क्या चाहते थे? दोस्त, तुमने शैडो क्लैन से पीछा कैसे छोड़ा है? मैं खुद जानने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे हुआ क्या था, वो बस चले गए। इस बात का पता अगर हम सब मिलकर लगाए तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना? ठीक है, तो फिर सुनो, इस चीज से मैं उनसे बात कर पा रहा था। बिल्कुल नहीं। इसने क्या किया? मैंने बस इसे डाना की तरह पहना और रुको, डाना कहाँ है? पता नहीं, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जा चुकी थी। जाने दो, पर मुझे लगता है हमारी उससे दोबारा मुलाकात होगी। मेरे पापा ने इन सब चीजों को एक वजह से छुपा के रखा था, क्योंकि यही उनका खजाना था। डाना पॉर को वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। पुरानी कहानियाँ हमेशा से इस बारे में कहती आई हैं, वहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता। एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक है, बहुत सारा सीक्रेट है और बेशुमार दौलत भी। एक गुफा आग में जलती हुई, कभी ना खत्म होती दीवारें, जिसे कहते हैं जलती दुनिया, जहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया। तुम सबने अब तक जो भी सुना है, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ऊपर की दुनिया असली है। और सालों की खोज के बाद मैं गार रिवेल ने वहां जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अगर कोई माहिर हो और दौलत चाहता है तो मैं उसे वो दिला सकता हूँ। हम कल मोनार्किन में मिलेंगे ठीक 9 बजे और फिर एक नया इतिहास रचाएंगे। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है? वो ऊपर की दुनिया की बात कर रहा है बोपी, ये अच्छी बात नहीं है। मॉर्निंग इलाई। ट्रिक्सी, मैं तो बस, तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं सोई ही नहीं। अब तुम मुझसे नहीं जीत सकती ट्रिक्सी। मेरी फिनिशिंग मूव। मुझे नफरत है इस गेम से। एक और गेम हो जाए? ठीक है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाकर आ रहे हो इलाई? मैं हाँ, मुझे बस एक जरूरी काम करना था। एक काम? हाँ, क्या उसका कोई लेना देना इसके साथ है? ये क्या ट्रिक्सी, चलो वापस दो। नई दुनिया, वाह, जल्दी दुनिया के मिशन से गार रिवेल आपको मशहूर करेगा और सोना दिलाएगा। फिनिशिंग मूव। क्या? ओ, फिर हार गया। तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो क्या? शायद, किसे परवाह है। तुम्हें होनी चाहिए। जल्दी दुनिया सिर्फ एक कहानी है, बच्चों की कहानी। जरा सोचो, अगर ऊपर कोई दुनिया होती तो हमने अब तक उसे क्यों नहीं देखा, बोलो। हाँ, मैं मानता हूँ, ये तो मुझे भी झूठ लगता है। तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। रिवेल सालों से कुछ कम अकल वाले स्लिंगर्स को इस मिशन पर जाने के लिए ढूंढ रहा है। रिवेल एक नया मिशन प्लान कर रहा है क्या? क्या किसी को इसके बारे में पता है?
स्लग टेरा के ऊपर की एक नई दुनिया सोचो, ना कोई स्लग्स, ना कोई मैक्स, ना कोई मेलेनॉइड्स। मैं सोच रही हूँ। और वो सोना, वहाँ सोना जरूर होएगा, हमें जाकर रिवेल की बात सुननी चाहिए एक नई खोज के लिए। मुझे नहीं पता प्रॉन्टो, मैं वहाँ अकेले जाने वाला था। अगर रिवेल लोगों का फायदा उठा रहा है तो मुझे जाकर उसे रोकना चाहिए, मेरा मतलब इंसाफ के लिए। ओ नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज। वैसे अगर अशेन गैंग इस मिशन पर जा ही रही है तो बता दूं, ईस्ट रिफ्ट पर बेहतरीन चॉकलेट ड्रिंक्स मिलती हैं। तो फिर तय हो गया जी, सब जाएंगे। अब मतलब सब जाएंगे ना। बढ़िया, मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? अरे क्या बात है आज तो? यहाँ पर हम बहुत बोर होने वाले हैं। हाँ, तुमने देखा गार की कहानी सुनकर कैसे कैसे लोग आए हैं? बढ़िया। चार एक्स्ट्रा लार्ज चॉकलेट ड्रिंक देना, और मियाँ जो मेरे दोस्तों को चाहिए वो भी। देख के चल मोलनॉइड। ईलाई, वो आंद्रे गाइजर है। कौन? वर्ल्ड क्लास एडवेंचरर, बहुत मशहूर भी है। समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ क्या कर रहा है। शुक्रिया सबका यहाँ आने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, जल्दी दुनिया में जाना बचपन से मेरा सपना रहा है, और मेरे पिछले मिशन्स के साथियों का मानना रहा है कि मेरे पिछले मिशन्स कामयाब नहीं रहे, पर ये खुशकिस्मती से वैसा नहीं होने वाला है। जब से वो बाहर आया है तब से उसने उस बुक से हाथ नहीं हटाया है, इसकी वजह पता लगानी होगी। ऊपर की दुनिया में फेम और फॉर्च्यून के अलावा बहुत कुछ है, मिसाल के तौर पर जैसे कि उनका चांद, उनका मून। वो एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही बड़ा है और उनके सिर से मीलों कोसों दूर है। बस भी करो, लोग इस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है लड़की? नहीं, हम ठीक हैं, माफ करना, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। सही कहा ना ट्रिक्सी? मेरी तकलीफ ये है कि तुम इस पर यकीन कर रहे हो, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। ट्रिक्सी बक बक बंद करो। क्या तुम चुप नहीं रह सकती थी? मुझे लगा हम यहाँ सच जानने आए थे। मैं तो कुछ लोगों की मदद करना चाहती थी। बॉबी, नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। अब तुम नहीं भाग सकते मोलनॉइड। सब लोग रुक जाओ। एक इन्फॉर्मस स्लग, सिर्फ एक आदमी के पास ये हो सकता है। आपको पता नहीं ये कौन है? हाय, मैं हूँ ईलाई शेन। हाँ तुम ही हो, ये तुम ही हो। ओ, ये कमाल का है, बढ़िया है। एक शेन हमारे साथ होगा तो ये मिशन कभी फेल नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? ईलाई तुम्हारे मिशन पर नहीं आ रहा है। सुनो दोस्तों, ये सच है। ओ, तुम मजाक कर रहे हो, ये लोग हम पर हमला कर रहे थे। ये इतना आसान नहीं है। असल में है, या तो तुम शेन गैंग के साथ हो या फिर इसके साथ। फिर तो मैं गार के साथ हूँ, मैं इस मिशन पर जा रहा हूँ।
लगता है मैंने ठीक से सुना नहीं इलाय। मैंने कहा मैं यहीं रुक रहा हूँ, तुम लोग घर लौट जाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। मियाँ तुम उनसे पीछा छुड़ा रहे हो ताकि तुम्हें ज्यादा सोना मिले, लेकिन प्रॉन्टो इस झांसे में नहीं पड़ने वाला। मैं चलूंगा। प्रॉन्टो, तुम भी नहीं आ सकते। मेरी बात सुनो, शायद तुम्हें लगता हो कि मैं गलत हूँ, पर इसके पीछे कुछ वजह है। तुम लोगों को मुझ पर यकीन करना होगा। हमें तुम पर पूरा यकीन है इलाय, पर लगता है तुम्हें हम पर नहीं है। ऐसा करना पड़ा बोबी, उन्हें ऊपर की दुनिया के बारे में नहीं बता सकते, और हमें जानना है कि गार को कितना पता है, वो इस बात को समझेंगे। सही कहा ना? तुमने सही फैसला किया इलाय शेन, बिल्कुल सही फैसला। इस मिशन पर तुम्हारे आने से चार चांद लग जाएंगे, बहुत मजा आएगा। मानो या ना मानो, मशहूर करने का और दौलत देने का वादा क्या किया, ये कैसे कैसे लोग आ गए। सच में मैंने नोटिस नहीं किया। मुझे गार से अकेले में बात करनी है। इलाय, मैं बस एक मिनट में आता हूँ, ठीक है? एक्शन, मैं इस मिशन का लीडर होने वाला था, याद है ना तुम्हें? घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा पैसा जरूर मिल जाएगा मोटी बुद्धि, और तब तक तुम जरा शांत बैठे रहो, समझे? इलाय, चलो तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इलाय मिशन पर जाने से राजी कैसे हो गया? जाहिर सी बात है, ताकि उसे ज्यादा सोना मिले। मियां, नहीं, इलाय को पैसे की कभी चिंता नहीं रही, बात दरअसल कुछ और है। काश कि उसने हमें बता दिया होता। इलाय ने पहले भी राज छुपाए हैं, पर कभी इस तरह टीम से अलग नहीं हुआ है। वाह, क्या बात है, ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है, जो मेरे परदादा के वक्त से यहाँ पड़ी थी, खास तुम्हारे लिए। मैं मूर्ख नहीं हूँ इलाय, मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम इतिहास के पन्ने पर एक नाकाम इंसान के तौर पर लिखा जाएगा। ये मेरा आखिरी मौका है, अब नाकाम नहीं होना। अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और ऐसा क्यों लगता है मेरे होने से आप कामयाब होंगे? मुझे लगता है कि किस्मत तुम्हें मेरे पास लाई है इलाय। सच ये है कि ऊपर की दुनिया में जाने के लिए मैंने जितना भी काम किया है, उसमें बस मुझे कुछ ही चीज करना बाकी है, और जबकि एक शेन मेरी टीम में है, मुझे यकीन है कि तुम मेरी उन चीजों को पूरा करने में मदद करोगे। शांत हो जाओ बॉबी, हमें उसकी पूरी बात सुननी होगी। क्या तुमने कुछ कहा इलाय? मैंने कहा आपको ऊपर की दुनिया के बारे में इतना कैसे पता चला? मैं सालों से सुनते आया हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ। जलती दुनिया की कहानी पर काफी लोग यकीन करते हैं, और जो नहीं भी करते वो ये सोचते हैं कि ऊपर और क्या क्या होगा। सुराग हर जगह है, बस तुम्हें उन सुरागों को पहचानना है। जैसे कि ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, और हर एक इंसान ने जलती दुनिया का जिक्र कभी ना कभी जरूर किया है। और फिर एक ये है मेरा सबसे बड़ा सुराग, तुम इसे पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि ये कोड लैंग्वेज में लिखा है। मैं ये पढ़ सकता हूँ, ये हमारे सीक्रेट मैसेजेस हैं, ये शेन कोड है। सब मैप, सारे रिकॉर्ड्स, इसमें लिखा है द ड्रॉप को कैसे इस्तेमाल करना है। अंकल जिमो, जिमो जिसके बाद तुम्हारे पिताजी शेन बने, इसका मतलब, हाँ बिल्कुल, ये शेन डायरी है। ओ, तो ये चीज बची थी। शेन शब्द ही वो सीक्रेट कोड है जिससे इस बुक के सारे राज खुल जाएंगे। इलाय, ये तो कमाल हो गया, आप सब बदल जाएगा, हमने कोड ढूंढ निकाला, मैं अब ऊपर जा सकता हूँ। गार, नहीं, इस बुक में जो लिखा है वो राज होने की एक वजह है। तो ये सच है? सच ये है कि तुम्हें मुझे वो डायरी देनी होगी। तुम्हें तो मेरे पास किस्मत लाई है इलाय, अब मुझे यकीन हो गया है, अब मैं नाकाम नहीं हो सकता। मदद, मुझे मदद चाहिए, वो शेन, रोको उसे। पकड़ लिया। गार, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। तुम्हारे मुझ पर उपकार है इलाय, सारे उपदेश, ऊपर की दुनिया में जाने का सही तरीका सब उस बुक में है, साथ ही सारी प्रशंसा जो मुझे मिलनी चाहिए। Yeah!
मैसेज उस बुक में है। अपने लोगों से कह दो जो भी चीजें उन्हें चाहिए वो उठा लें। वो बुक हमारे हाथ आते ही हम जलती दुनिया की ओर निकल पड़ेंगे। फिनिशिंग मूव। एलाई, हो क्या रहा है? कुछ नहीं, तुम गेम खेलती रहो। गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं इसे जीत नहीं पा रहा, मुझे कम से कम एक गेम तो जीतनी ही है। इतने सारे स्लग्स लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा, मैं नहीं चाहता तुम इसमें पढ़ो, ये शेन का मामला है। अच्छा, पर हम भी शेन गैंग का हिस्सा है। मुझे तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तुम लोग बस यही रहो, मेरे पास अब भी वक्त है, मैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाता हूँ। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो एलाई, पर लगता है कि हम में से कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता। इसको छोड़ेंगे नहीं आज। चुगार, तुमने यहाँ हमें एक लड़के का पीछा करने बुलाया? तुमने खजाना दिलाने का वादा किया था, रेवल फेम। मुझसे इस तरह बात मत करो मगरूर इंसान। आज नहीं, मेरी बात सुनो तुम सब। तुम्हें मशहूर होना है और दौलत चाहिए तो वो शेन उस तक पहुंचने का रास्ता है। उसे पहले पकड़ कर लाने वाले को 3 गुना हिस्सा मिलेगा। वो तो अपने साथ पूरी फौज लेकर आया है। ओपी, ऑटोमेटिक ब्लास्टर चला दो। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। एलाई, पापा ने एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया था जो शहर तक जाती है, अगर हम जल्दी करें तो उनके यहाँ पहुँचने से पहले हम निकल जाएंगे। एलाई, हम नहीं जा रहे। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम किस लिए लड़ रही हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक टीम है, हमें जानना भी नहीं। पर मैं बताऊंगा। कोई और आइडिया है? पता नहीं ये सुनकर तुम क्या सोचोगे, तुम सबके मन में सवाल उठेंगे, लेकिन अभी का ये समय जवाब देने का नहीं है, तो मैं जल्दी बताता हूँ। याद है वो सब चीजें जो गार ऊपर की दुनिया के बारे में कह रहा था? हाँ, तुम्हारा मतलब उस कहानी से जिसे सुनकर नींद आ रही थी? हाँ, पर वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऊपर की दुनिया असल में है, और एक शेन होने के खातिर इस बात को सीक्रेट रखना मेरा पहला काम है। मजाक कर रहे हो एलाई। मैं जानता हूँ तुम सब क्या सोच रहे हो, पर ये मजाक नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब मुझ पर यकीन करो, क्योंकि यही सच्चाई है। मैं नहीं मानती। यकीन करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ एलाई। जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम मुझे जलती दुनिया के बारे में बताती थी, हर रात सोने से पहले वही कहानी सुनाती थी। अब तुम बच्चे नहीं हो एलाई, तुम्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रिक्सी, ये कहानी सच है। ये सिर्फ स्लग तेरा के बारे में नहीं है, अगर गार ऊपर की दुनिया तक पहुंच गया तो दोनों दुनिया पर बुरा असर पड़ेगा। मान लेते हैं ये सच है, पर गार को इस बारे में कैसे पता चला? इस बुक से, ये मेरे ग्रेट अंकल की है। इस पर नजर डालते ही मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए, मेरे पापा की सारी पहेलियाँ और मेरे फैमिली के बारे में सब कुछ, यहाँ तक ये भी कि ऊपर की दुनिया में कैसे जाना है। अगर ये बुक गार को वापस मिल गई तो कोई बात नहीं एलाई, हम ये पूरा दिन कर सकते हैं। वो चीज है ना जो तुम्हें चाहिए? नहीं, फायरिंग रोको, रुक जाओ, उस डायरी को लग सकती है। डायरी की क्या जरूरत जब मैं तुम्हारे पास हूँ? वैसे लड़के की बात में दम है, पर मैं दोनों लेना चाहूँगा। ठीक है, मैं साथ चलूंगा, पर एक शर्त है, मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो, उनका कोई लेना देना नहीं है। शाबाश, अब तुम सही बात कर रहे हो, तुम्हें दोस्तों की जरूरत नहीं, आखिर में तुम अकेले ही रहने वाले हो। नहीं, मैंने उनसे कहा कि इसमें दखल ना दे, पर वो सुनते ही नहीं। पता नहीं ये मेरी बात क्यों नहीं मानते। देखा मेरा निशाना भैया? आइए बाहर निकलो गार, तुम मुझे चाहते थे ना, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। खेल खत्म एलाई। तुम यहाँ से भाग निकलो एलाई, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या बात कर रहे हो कॉर्ड, ये वार तो तुम भी नहीं सह पाओगे।
उसे जाने दो गार, तुम ये बुक ले सकते हो। नहीं, वो मुझे दे दो। क्यों? ये सही नहीं है, मैं कितना करीब था। दिल पर मत लेना ईलाई, हम सिर्फ सोने की लालच में ये कर रहे थे। रुको, खत्म नहीं हुआ है, हम अभी जा सकते हैं। वो सही थे, ये कुछ नहीं बस एक धोखा था। नहीं था, मैं दूसरा रास्ता ढूंढ निकालूंगा। जाओ यहाँ से गार, सब खत्म हो चुका। रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बस थोड़ा और वक्त दो। ये रिवेल अब दोबारा वापस नहीं आएगा। सुनो दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि कोई बात नहीं इलाई, हम समझ गए। शेन के राज है ना? मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, मैंने कहा था कि मैं गुप्त गुफा से आया हूँ जो बहुत दूर है। वो असल में सब सच नहीं था। वो बहुत दूर तो है पर वो गुफा नहीं है। तो तुम बड़े कहाँ हुए? वहाँ ऊपर, उस होल में। यहाँ उस होल को दरअसल द ड्रॉप कहते हैं। मैं उसी से यहाँ आया था। वो रास्ता तुम्हें ऊपर की दुनिया में ले जाता है। ओह, मतलब जलती दुनिया में? मैं उसे ऊपर की दुनिया कहता हूँ। हाँ। क्या मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, इसे समझने में बहुत वक्त लगेगा। तुम्हारी दुनिया के लोग इस बात को कभी सच नहीं मानेंगे। हाँ, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। मुझे पता था कि शेन्स के सीक्रेट्स होते हैं, पर ये वाला तो वाह। जो मैजिक यहाँ होता है, ये स्लग्स, इन्हें हम हमेशा के लिए खो देंगे अगर अर्थ वालों को स्लग टेरा के बारे में पता चल गया तो। और अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक पाएंगे। स्लग टेरा ही डिफेंस की पहली और आखिरी लाइन है, इसीलिए हमारी दोनों दुनिया कभी नहीं मिल सकती। तुम्हें हम सबको ये नहीं बताना चाहिए था, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, तुम्हें इसे परिवार में ही रखना चाहिए था। तुम सब ही मेरा परिवार हो, और अब से मैं कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाऊंगा। जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें बता दूंगा। वैसे मैं शेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और तुमने वो बुक जला दी जिससे तुम वो सब बदल सकते थे। उस बुक में ऐसा कुछ नहीं था जिसका हम खुद से पता नहीं लगा सकते। हम वहाँ ऊपर जाने का भी पता लगा सकते हैं। खैर वो अलग बात है, अभी के लिए ये मेरे लिए एक वन वे मिशन थी। तो मेरे ख्याल से हम अब तक तुम्हारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल सही। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। मुझे कहना पड़ेगा, तुम लोगों ने मेरी बात का आसानी से यकीन माना। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पास लाखों सवाल है, जैसे कि आसमान, क्या वो सच में अनंत है? क्या वहाँ मोनोलाइट्स भी है मियां? और अगर है तो क्या उन्हें भी यहाँ जितनी इज्जत मिलती है उससे ज्यादा मिलती है, या फिर थोड़ी सी कम? और इस मून का राज क्या है, वो हमारे ऊपर गिरता क्यों नहीं? क्यों ना मैं शुरू से बताना शुरू करूँ। हम एक प्लैनेट पर रहते हैं जिसका नाम अर्थ है। प्लैनेट? क्या वो स्लग तेरा जैसा है?